सो हे गाइज व्हाट्स अप। तो आज का ब्लॉग है अ डे इन लंदन। मैं लंदन में आज के दिन में अकेला हूँ। अभी सुबह के यहाँ पे 9:30 बज रहे हैं और मैं बाहर निकल रहा हूँ। तो आज आपको मैं अपना पूरा दिन दिखाऊंगा लंदन में कैसे गुजरता है, क्या होता है, क्या देखने को मिलता है। लेट्स सी। द बेस्ट थिंग टुडे इज की आज धूप निकली है। और ये धूप ना, इट इज़ लाइक वन ऑफ दोज थिंग्स जो आपको बहुत मुश्किल से यूके में मिलती है। तो जब जब मिल रही है भाई, अच्छे से धूप सेको, बढ़िया रहे। इस पब में हम जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए, द लिबर्टी बाउंस विद द स्पून्स। तो ब्रेकफास्ट भाई तुम्हारे ने ऑर्डर कर दिया है, वीगन इंग्लिश ब्रेकफास्ट। अब खा के देखते हैं कैसा है। बिल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आया 8 pounds, तो आई थिंक ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और आपको मैं दिखाता हूँ ये जो वेदर स्पून है ना, इनकी ऑल ओवर द यूके में बहुत सारे पब्स हैं। मैं बर्मिंघम वाले में गया हुआ हूँ एक दो बारी, वहाँ का मुझे पिज़्ज़ा बहुत बढ़िया लगता है। और इनके जो रेट है ना, काफ़ी मतलब जेन्युइन से हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और मोस्टली यहाँ पे मैंने बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को देखा, पार्टी वार्टी करने आते हैं, शराब वगैरह पीने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ सस्ती है एज़ कम्पेयर टू अदर पब्स। हमारा ब्रेकफास्ट, सम टोस्ट, बीन्स, हैश ब्राउन्स, वीगन सॉसेजेस एंड अ कप ऑफ कॉफ़ी। बहुत ही अंग्रेज़ी वाली फील आ रही है, खा के देखते हैं कैसे। तो भाई ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाने के बाद आई एम डैम श्योर कि मैं ये चीज़ डेली तो नहीं खा सकता। मतलब एक इनके आइटम है हैश ब्राउन्स, दैट इज़ लाइक आलू का पकोड़ा, वो फिर बेटर था। बट बीन्स मतलब एकदम फीकी सी, मतलब फीके राजमा उबले हुए। और ये वीगन सॉसेजेस, कुछ मज़ा नहीं आया भाई। चलो कोई नहीं, पर जैसे तैसे पेट भर लिया, बाकी लंच टाइम में कुछ अच्छा खाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। मैं खा के पब से निकला ही था और मेरे सामने है द टावर ऑफ लंदन। आप पीछे देख रहे हो लिखा हुआ टावर ऑफ लंदन, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पैलेस है ना, इस पैलेस के बैक साइड पे है द टावर ऑफ लंदन। मैं उसी साइड जा रहा हूँ, आपको अच्छे से दिखाता हूँ। और ये पैलेस भी भाई बहुत बड़ा है। तो ये रहा पैलेस और ये रहा द टावर ऑफ लंदन। काफ़ी लोग इसको लंदन ब्रिज कहते हैं, बट एक्चुअली में ये लंदन ब्रिज नहीं है, ये टावर ब्रिज है। अभी लाइट एक्चुअली ना अपोजिट साइड पे है, तो आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखाता हूँ बट। और ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, लंबी सी कोन वाली, इसका नाम है द शार्ड। मैं लास्ट टाइम यहाँ पर गया था और यहाँ से व्यू बहुत बढ़िया आता है। और उस कोन वाली बिल्डिंग का हमने दो बंदों ने पे किया था अप्रॉक्सीमेटली 56 pounds, मतलब 28 pounds ईच, जस्ट फॉर द व्यू। बट वो व्यू जो था ना, रात को वर्थ इट था। पूरा लंदन सिटी दिखता है और इतना सही लगता है ना, मतलब कि लगता है यार कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सामने बोट वाला ना रिवर में ड्रिफ्ट मार रहा है, ठीक है भाई, बढ़िया। सो ये मेरे पीछे है द टावर ऑफ लंदन। इसको काफ़ी लोग ना लंदन ब्रिज कहते हैं, बट दिस इज़ नॉट लंदन ब्रिज। मैं आपको लंदन ब्रिज दिखाता हूँ कौन सा है। ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है ना, दिस इज़ कॉल्ड लंदन ब्रिज। रुखान अपनी मूवीज़ में कहता था ना, लंदन की बात ही कुछ और है भाई। बात सही है, मतलब यहाँ की ना एकदम वाइब ही डिफरेंट है सिटी की, कि आपको लगेगा सच में कि डेफिनेटली अपने लाइफ में कुछ उखाड़ा था भी यहाँ पर पहुँचे हो। तो भाई अब यहाँ से हम जा रहे हैं द ब्रिटिश म्यूज़ियम। तो पहले मैंने सोचा कैब कर लूँ, बट कैब की जगह मुझे दिखा ट्रिक साइकिल। इसको वो ऐप से बुक कर लिया भाई, बहुत सही है, स्पीड भी काफ़ी अच्छी है और मज़ा भी काफ़ी आ रहा है। और यहाँ पे साइकिलिस्ट के लिए अलग लेन है, तो बहुत ही सही सफ़र हो रहा है, मज़ा ही आ रहा है भाई। तो जहाँ मेरा भाई कैब से लगना था ब्रिटिश म्यूज़ियम आते आते 15-16 pounds, वहीं पर विद द हेल्प ऑफ साइकिल मेरा लगा 1.65। बट बस इशू ये आया कि सेंटेंडर बाइक्स की ना पार्किंग मोस्टली फुल थी, तो उसकी पार्किंग ढूंढते ढूंढते मेरे को 5-10 minutes लग गए। बट फिर भी स्टिल वर्थ इट, 1.65 pounds कुछ भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू 15-16 pounds। तो अभी मैं जा रहा हूँ ब्रिटिश म्यूज़ियम और आपको दिखाता हूँ हाउ डज़ ब्रिटिश म्यूज़ियम लुक्स लाइक। ये रहा सामने द ब्रिटिश म्यूज़ियम, देखते हैं उन्होंने यहाँ पर इंडिया से चुरा चुरा के क्या क्या लगाया है, अगर एंट्री मिल गई तो। ये रहा पूरा म्यूज़ियम, बहुत बड़ा है यार। ये यहाँ की एंट्रेंस, पहले ऊपर चलते हैं।
पुराने पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं वास टाइप। रोमन म्यूजिक, ये इनकी फ्लूट्स और ये इनका क्या कहते हैं इसको, ब्रॉन्ज ट्रम्पेट। तो मैं आपको रोम के वेपन्स दिखाता हूँ एंशिएंट टाइम के। ये देखो, और ये है एंशंट लिवेंट। ये देखो, इसके अंदर ममीज को वो किया जाता। यहाँ पे सारा आएगा इजिप्ट वाली साइड का। ऑल दे हैव इज ममीज। ये देखो, इट्स द फर्स्ट टाइम मैं कोई ममी देख रहा हूँ। सारी मम्मीज हैं यहाँ पे और उनके बॉक्स। वो तो आपको दिखाऊंगा इंडिया का यहाँ पे क्या क्या है। सो ये जो सोर्ड है ये टीपू सुल्तान की है, द टाइगर ऑफ मैसूर। ये म्यूजियम बाहर से बड़ा ना, उससे ज़्यादा तो ये अंदर से बड़ा भाई। मेरी तो, मैं तो थक गया हूँ भाई इतना चल चल के। अब सोच रहा हूँ कैब करवाता हूँ और कुछ खाने के लिए जाता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आई विल गो फॉर अ पिज़्ज़ा। चलते हैं। तो भाई मेरे फ़ोन की मौत होने वाली थी तो मैं यहाँ पे एक पब में आ गया बैठ के। तो चलो भाई पेप्सी पीते हैं और साथ साथ फ़ोन भी चार्ज कर लेते हैं, इसके बाद जाते हैं कहीं ढंग की जगह पर खाने। सोचा था भाई पिज़्ज़ा खाऊंगा पर आगे पीछे एक सबवे दिख गया और वो बहुत बढ़िया लग रहा था तो उधर ही बैठ के खा लिया। तो अभी मुझे मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया, एक्चुअली आज शाम को ही मुझे बर्मिंघम वापस से आना है। एक्चुअली यहाँ पे उसकी कुछ इवेंट था, कोई ऑफिस की जॉइनिंग थी तो वहाँ पे हम आए थे। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस होटल, मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से निकल जाएंगे। बट जाने से पहले मैं आपको अच्छा से यहाँ के व्यू दिखाता हूँ कि आपको भी मज़ा आए। बिजी स्ट्रीट्स, ये यहाँ पे किसी का आई गेस इंटरव्यू चल रहा है फॉर BBC और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे भी वही हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कुछ इवेंट है आज। ओह, यहाँ पे तो लोग वो कर रहे हैं, इस चीज़ का विरोध हो रहा है। RIP ब्रिटिश जस्टिस, रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहाँ का सबसे बड़ा कोर्ट। इट लुक्स लाइक अ कासल। अच्छे से दिखाता हूँ, लुक एट द कोर्ट। वाओ, जैसे हॉगवर्ट्स नहीं आ गए हूँ। ये वॉल क्लॉक देखो कितनी मस्त लग रही है। लंदन ना बंदा चाह के भी एक दिन में नहीं घूम सकता, ये तो क्लियर कट बात है। यहाँ पे भी कुछ हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी मीडिया है,
आप लोगों को ना मैं एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ जो मुझे यहाँ पे लगी हुई दिखी। फॉर्मूला वन कार। तो बहुत बढ़िया सा मॉन्यूमेंट। प्लेस इज कॉल्ड सेंट पॉल्स। इट लुक्स लाइक हर गली में यहाँ पे कोई ना कोई महल है, जितने बड़ी बड़ी तो यहाँ की बिल्डिंग्स हैं। मैं तो वापस आ गया होटल में बैठ के, हूँ सुबह से निकला हूँ, चल चल के बुरी हालत हो चुकी है। नाउ आई विल जस्ट सिट हियर फॉर सम टाइम एंड उसके बाद ट्रेन भी पकड़नी है वापस बर्मिंघम के लिए। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।